हेलो बच्चों, वेलकम टू वृतंक। दिस अंकुश और आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक, वह है रैंक इन डिक्शनरी। हाउ डू वी फाइंड रैंक इन अ डिक्शनरी, है ना, ऐसा क्वेश्चन होता है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, रैंक इन डिक्शनरी। ठीक है, सो क्वेश्चन होता क्या है, तो बहुत बार आपको, जैसे अभी अगर आप 2020 का ही पेपर ले रहे, 2021 के पेपर में, 2020 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि वी वांटेड टू फाइंड रैंक ऑफ वर्ड। सो क्वेश्चन ऐसा था, रैंक ऑफ वर्ड मदर, रैंक ऑफ वर्ड मदर, राइट, इन इट्स ओन डिक्शनरी, इन इट्स ओन डिक्शनरी। ठीक है, इज ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चों। तो इन इट्स ओन डिक्शनरी का मतलब है कि इनके लेटर्स से बना हुआ डिक्शनरी। ठीक है, इनके लेटर्स से अगर हमने बनाया है डिक्शनरी अलग अलग वर्ड्स बनाते हुए। देखो पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि पूछ क्या रहा है। मदर ये जो है ये सिक्स लेटर वर्ड है बच्चों, तो इसमें लेटर्स कौन से है, एम है, ओ है, टी है, एच है, ई और आर। तो ये जो सिक्स लेटर्स है इससे तरह तरह के वर्ड्स बन सकते हैं, करेक्ट, है ना। तो ये जो सिक्स लेटर वर्ड्स जो यहाँ पे जितने भी सिक्स लेटर वर्ड्स, हाँ एक और बात, हम सारे लेटर्स को यूज करेंगे व्हेन वी फॉर्म अ डिक्शनरी आउट ऑफ इट। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स बनेंगे बच्चों वो कैसे होने चाहिए, सिक्स लेटर वर्ड्स होने चाहिए। कितने सिक्स लेटर वर्ड्स बन सकते हैं, तो हम कहें अगर अ नंबर ऑफ वर्ड्स और सिक्स लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, सो इट विल बी इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल। ये जो है ना छह लेटर्स है और सभी का सभी अगर हमने अरेंज किया और वर्ड्स बनाए तो कितने बन सकते हैं, सिक्स फैक्टोरियल। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है बच्चों कि एन लेटर्स अगर होते हैं, इफ वी आर अरेंजिंग ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, तो देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पॉसिबल इज एन फैक्टोरियल, राइट। सो ये हमने बात कही है। तो हमारे डिक्शनरी में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे, सो देयरफॉर इन आवर डिक्शनरी ना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी, कितने वर्ड्स आएंगे, सिक्स फैक्टोरियल आएंगे, विच इज इक्वल टू 720। तो बच्चों कहानी समझिए आप, ना पहले क्वेश्चन में पूरी कहानी समझा रहा हूं कि एम ओ टी एच ई आर ये सभी के सभी लेटर्स यूज करके मैं अलग अलग वर्ड्स बना सकता हूँ, और वो कितने बना सकता हूँ, 720। इन 720 वर्ड्स में मदर ये कहाँ पे है, क्या ये 100 नंबर पे आता है, अगर 100 नंबर पे आया तो इसका रैंक 100 हो गया। ये कौन से नंबर पे आएगा इस सिक्वेंस में, ठीक है, वो हम कहना चाह रहे हैं, वो हम पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको बच्चों, पक्का एक लाइक बनता है ना क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया है तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें पता करना है कि मदर ये वर्ड कहाँ आ रहा है। तो बच्चों एम ओ टी एच ई आर, अब मेरा तरीका देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे साइड में इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करिए, मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, फिर ई के बाद क्या आएगा बेटा, एच, ई एफ जी एच, है ना, फिर उसके बाद में क्या बचा है, तो एम और एम, ओ के बीच में तो एम पहले आएगा, फिर ओ आएगा बच्चों, राइट, फिर एम ओ, फिर आर और टी। ठीक है, तो आर और टी, तो ऐसा हमेशा इस तरह अरेंज कर दीजिए कि अल्फाबेटिकली पहले ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स मिलेंगे, फिर एच, फिर एम, फिर ओ, फिर आर, फिर टी, ऐसा सीक्वेंस मिलने वाला है। इन लेटर से जो भी डिक्शनरी मिलेगी हमें वो हमेशा पहले ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स मिलेंगे। पूरे कितने वर्ड्स, कितने लेटर वर्ड्स बनेंगे, सिक्स लेटर वर्ड्स। ई से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने रहेंगे, ई हमने स्टार्टिंग पोजीशन में रख दिया बच्चों, ई इज एट फर्स्ट प्लेस, तो हमारे पास कितनी पोजीशंस है, पांच, एक दो तीन चार पांच। लेटर्स भी कितने बचे हमारे पास, ई हमने यूज कर लिया, वी आर लेफ्ट विद फाइव लेटर्स, तो फाइव लेटर्स इन फाइव प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन। ठीक है, ये सब लिख लिया होगा आपने, करेक्ट। सो देयरफॉर कितने लेटर्स बनेंगे विच विल बी स्टार्टिंग विद ई, इट विल बी इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विद ई। ठीक है, स्टार्ट्स विद ई, राइट, वो कितने होंगे, फाइव फैक्टोरियल होंगे बच्चों। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, आपने डिक्शनरी देखना चालू किया, पहले ई से शुरू होने वाले वर्ड्स मिलेंगे बच्चों आपको। तो ई से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने हैं सर, तो ई को फर्स्ट पोजीशन में फिक्स कर दिया, बच्चे कितने, पांच, तो पांच लेटर्स है, पांच प्लेसेस है, दैट कैन बी फिल्ड इन फाइव फैक्टोरियल बेस। ओके बच्चों, ओके, नेक्स्ट ई से तो हो गया सर, फिर आप उसके बाद में आप डिक्शनरी से आगे बढ़ोगे, डिक्शनरी में आपने ई से बहुत सारे ई एम ओ टी एच आर ये सब मिला, अलग अलग वर्ड्स मिल गए, बाद में फिर एच से शुरू होने वाले मिलेंगे बेटा हमें, राइट, तो एच से शुरू होने वाले वो भी हमें नहीं चाहिए, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा,
तो इतने वर्ड्स हमें स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने वर्ड्स हम स्किप कर रहे हैं, मदर ये कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, एच से शुरू होने वाले, अगेन एच के आगे पांच हमारे पास प्लेसेस है बच्चों, तो फाइव फैक्टोरियल अगेन। ठीक है, तो ये भी हमें स्किप करने पड़ेंगे। तो टोटल हमने इतने लेटर्स ना, इतने वर्ड्स जो है, फाइव फैक्टोरियल विद लेटर ई, फाइव फैक्टोरियल विद लेटर एच, है ना, स्टार्टिंग विद लेटर एच, इतने स्किप करने पड़ेंगे अगर आप कहो, राइट। तो ये कितने हो गए, यस, सो इट इज इक्वल टू 120, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 120। तो हम ये श्योर है कि मदर जो है ना पहले 240, है ना, पहले 240 वर्ड्स के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका रैंक विल बी 240 के बाद। समझे बात, पक्का है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब ई से स्टार्ट होने वाले देख लिए अपने, वो हमें नहीं चाहिए था, एच से स्टार्ट होने वाले नहीं चाहिए था, अब एम से स्टार्ट होने वाले। तो सर हमें एम से स्टार्ट होने वाले ही चाहिए, ठीक है। तो एम हम यूज कर रहे हैं, तो यहां कट क्या करूंगा, जो हमने यूज कर लिया, राइट, कट। इसके पहले जो ना हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम इसको स्किप कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, तो एम यूज कर रहे हैं। बट एम से जब शुरू होगा तो हमें एम के भी सीक्वेंस कैसे मिलेंगे बच्चों, पहले हमें एम ई वाले मिलेंगे, करेक्ट। तो क्या हमें एम ई वाला चाहिए, नहीं चाहिए ना, फिर एम एच वाला मिलेगा। देखो फिर से आप अल्फाबेटिकली स्टार्ट कर दो, एम से यूज कर दिया तो आप सेकंड प्लेस पे अल्फाबेटिकली अरेंज करना चालू करिए। एम यूज हो गया ना, तो यहाँ क्रॉस कर दीजिए और सेकंड अल्फाबेटिकली ना सेकंड लेटर के बारे में देखिए, ई एम ई वाला सीक्वेंस नहीं चाहिए, एम एच वाला सीक्वेंस नहीं चाहिए, फिर आएगा ओ, तो एम ओ वाला चाहिए, करेक्ट। ओके, तो अब एम ई वाला कितना सीक्वेंस होगा, कितने वर्ड्स होंगे, तो आगे चार पोजीशंस विच कैन बी फिल्ड इन फोर फैक्टोरियल, तो इतना हमें है ना आगे बढ़ना पड़ेगा, इतने वर्ड्स हमें स्किप करने पड़ेंगे। एम एच अगेन फोर फैक्टोरियल बच्चों, इसको हमें स्किप करना पड़ेगा। एम ओ, सर ओ यूज होगा तो कट कर दीजिए, है ना, एम ओ यूज किया बेटा आपने, फिर से आप ऊपर से चलिएगा क्योंकि अब थर्ड जो लेटर है उसको आप अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली, तो एम ओ ई आएगा वो नहीं चाहिए, फिर एम ओ एच आएगा वो भी नहीं चाहिए, एम ओ आर आएगा बच्चों वो चाहिए क्या हमें, वो भी नहीं चाहिए, और फिर आएगा एम ओ टी, तो अब टी यूज होगा, जब टी यूज होगा तभी कट करना है, ठीक है। अब एम ओ ई कितने वर्ड्स बनेंगे जिसका सीक्वेंस स्टार्टिंग में एम ओ ई हो, तो आगे तीन पोजीशंस है विच कैन बी फिल्ड इन थ्री फैक्टोरियल वेज, तीन पोजीशंस तीन लेटर्स, अगेन बच्चों तीन पोजीशंस तीन लेटर्स, तीन पोजीशंस तीन लेटर्स, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज सिक्स, दिस इज सिक्स, दिस इज सिक्स, इतने हमें स्किप करते जाना पड़ेगा तब जाके एम ओ टी आएगा। टी यूज हो गया था, फिर से हम लोग सिक्वेंशियली चालू करेंगे, तो एम ओ टी ई क्या ये चाहिए मुझे, नहीं सर, तो ये स्किप करना पड़ेगा बच्चों, राइट। फिर एम ओ टी एच, अब एच यूज हो रहा है, कैंसिल, ठीक है बच्चों समझ गए। तो एम ओ टी ई कितने आगे, दो प्लेसेस है, तो टू फैक्टोरियल, करेक्ट बच्चों, यस, ओके। फिर उसके बाद एम ओ टी एच हो गया था यूज, अब फिर से आप अरेंज करेंगे स्टार्टिंग से, तो एम ओ टी एच ई, सर ये यूज करना है मुझे, तो कट करो, फिर आर ये भी यूज करना है, तो दिस इज द फाइनल लेटर दैट वी आर गेटिंग। इतना स्किप करेंगे और अगला लेटर हमारा मदर ये होगा, राइट। तो देखो कितना स्किप किया हमने, लेट्स काउंट इट, 120 प्लस 120 240, राइट, फिर अगेन 48 या 30 ले ले 60, ठीक है 300 हो गया, 306 308, और ये अगला प्लस 1 करेंगे ना क्योंकि अगला लेटर है ये। देखो मेरे आगे इतने लोग हैं तो मेरा नंबर क्या होगा, अगर मेरे आगे 10 लोग हैं तो मेरा रैंक 11 होगा ना बच्चों, राइट, वैसी बात है। तो मदर से पहले इतने वर्ड्स थे, तो देयरफॉर द रैंक इज 309, तो रैंक ऑफ मदर इन इट्स डिक्शनरी इज 309, ठीक है। पूरी 720 वर्ड्स की डिक्शनरी बनने वाली है, उसमें 309 नंबर पे मदर ये वर्ड आने वाला है ना, समझ रहे हो आप कैसे था ये क्वेश्चन और क्या किया हमने, ठीक। और भी क्वेश्चन देख के हम समझेंगे, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से क्या करोगे आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो 240, 300, ठीक है, और 309 करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, तो ये आया था है ना 2020 के मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार देखिए प्रोसेस क्या है, एम ओ टी एच ई आर छह लेटर्स है, सबके सब यूज करके जितने भी वर्ड्स बनेंगे हाँ उस वर्ड से डिक्शनरी बनाई जा रही है। तो हमारी डिक्शनरी इस बार 6 फैक्टोरियल है ना, इतने लेटर्स हमने यूज किए 6, तो 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे 720, उसमें मदर ये कौन से नंबर पे आने वाला है रैंक। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया, राइट, अल्फाबेटिकली अरेंज किया ऐसे साइड में, फिर हम यूज कर रहे हैं ई, ठीक है। तो ई पहला, ई से शुरू होने वाले वो हमें नहीं चाहिए तो स्किप करने हैं, 120 लेटर्स 120 वर्ड्स बड़े वो हम स्किप करेंगे। एच से अगेन 120, फिर स्किप करेंगे, फिर ये हो गया एम, सर एम यूज हो रहा है, कट कर दो जो यूज होगा। अब आप सेकेंड प्लेस को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो एम ई, फिर एम एच नहीं चाहिए तो स्किप करते जाएंगे, राइट, एम ओ चाहिए है हमको तो कट करिए। अब थर्ड लेटर को आप ना थर्ड प्लेस को आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो एम ओ ई, राइट, फिर से ऊपर से आएगा एम ओ एच,
राइट एमओआर नहीं चाहिए तो ये सब स्किप हो गए, तो कितने स्किप हुए आगे तीन प्लेसेस थ्री फैक्टोरियल ठीक है, फिर एमओटी ये चाहिए सर, फिर आप ऊपर से आएंगे एमओटी ये नहीं चाहिए, ऐसे करते करते आप मदर तक पहुंच जाएंगे है ना। तो ऐसे हम रैंक ऑफ मदर निकालते हैं, इट कम्स आउट टू बी 309। लिख लीजिए हम और एग्जांपल्स करके, लेट्स मेक इट अ स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बच्चों लेट्स सी एन एग्जांपल हियर, गार्डन है ना, इसका रैंक निकालना है हमको ठीक है। सो इट्स रैंक वी हैव टू फाइंड, तो रैंक इन डिक्शनरी ऑफ द वर्ड गार्डन। तो सबसे पहले गार्डन ही कितना लेटर वर्ड है, सिक्स, तो जी ए आर डी ई एन ठीक है। तो अगर हमें पता है सिक्स लेटर है तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे इसके डिक्शनरी में, सर टोटल वर्ड्स जो है ना वो सिक्स फैक्टर होंगे क्योंकि हम लोग सारे ही लेटर्स यूज करने वाले हैं। तो 720 में से है ना इसका खुद का रैंक कहाँ है वो हम देखना चाह रहे हैं ठीक है। अगेन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों। तो अब अगेन मेरा मेथड क्या है, लेट अस स्टिक टू माय अप्रोच। अल्फाबेटिकली पहले ए आएगा ठीक है, फिर उसके बाद में डी आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर उसके बाद जी आएगा, फिर उसके बाद एन आएगा और फिर उसके बाद आर आएगा, करेक्ट? यस सर, है ना। तो देखिए ए बी सी डी ई राइट एफ जी एच वगैरह वगैरह, कोई गलत नहीं होना चाहिए इसमें। अब बच्चों जब डिक्शनरी देखूंगा तो ए पहला है ना, तो फर्स्ट प्लेस ए से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे, फाइव फैक्टोरियल, करेक्ट? क्योंकि पांच प्लेसेस और कोई रिपीटेशन नहीं है। आपने देखा मैंने जो भी दोनों एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट है वो डिसिमिलर है, हम लोग डिसिमिलर वाले केस में ही है अभी ठीक है। हम जो परमुटेशन कर रहे हैं फ्लो में, इसके पहले वाला आपने वीडियो देखा था, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट देख रहे थे एंड सेम आई एम कंटिन्यूइंग ओवर हियर ठीक है। फिर डी से चालू होने वाले एक दो तीन चार प्लस ठीक है, ई से स्टार्ट होने वाले आई डोंट वांट ई से स्टार्ट होने वाला अभी, तो फाइव फैक्टर मतलब 120 यहाँ स्किप कर दिया, 120 यहाँ, 120 यहाँ, तो 360 के आगे होगा रैंक ठीक है। अब इसका जी आएगा सर, तो मुझे जी यूज करना है गार्डन में, तो यूज करने वाले चीज को हम कट करेंगे। जैसे कट किया अब सेकेंड प्लेस को फिर से अरेंज करना चालू कर दिया, जी ए, सर आपको जी ए चाहिए क्या, यस, तो कट करिए है ना, जी ए यूज कर रहे हो। थर्ड प्लेस जब आप कट कर रहे हो मतलब अगली प्लेस से चालू कर दोगे, आप बात समझिए, जब आप कट कर रहे हो मतलब अगली प्लेस को अरेंज करना चालू करोगे, तो थर्ड प्लेस आपको अरेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो जी ए डी डू यू वॉन्ट, नो, फिर जी ए ई डू यू वॉन्ट, नो, जी ए एन डू यू वॉन्ट, नो, जब तक जो मिलता नहीं आप करते रहिए जी ए आर एंड नाउ आई विल कट आर, राइट? आर कट करते से मुझे अगला देखना पड़ेगा, करेक्ट? यस, तो जी ए डी से कितने आएंगे, तीन पोजिशन है थ्री फैक्टोरियल सिक्स, राइट? अगेन तीन पोजिशन है थ्री फैक्टोरियल, तो सिक्स, तीन पोजिशन है थ्री फैक्टोरियल सिक्स, जी ए आर सर अगला देखना पड़ेगा, करेक्ट? ओके, अब फिर से आप ऊपर से चालू करोगे बेटा, क्योंकि अगला प्लेस जब आप अरेंज करना चालू करोगे इट विल बी ऑलवेज क्या होगा, हम हमेशा अल्फाबेटिकल ही देखना पड़ेगा ठीक है। तो डी ठीक है सर, ये चाहिए तो ये कट करिए, फिर अगला प्लेस देखिए ये भी चाहिए सर ये कट करिए, फिर तो बस मिल गया, तो आई कैन से प्लस वन, क्यों, इतना छोड़ने के बाद अगला मुझे गार्डन मिल रहा है 360 ओके, और ये 18 और 19 ठीक है, तो 379 है ना, तो रैंक ऑफ गार्डन इज 379, ऐसा हमारा आंसर आ रहा है। ओके बच्चों, ऐसे आप अपने नाम का भी कर सकते हो है ना, यू कैन ट्राई रैंक ऑफ योर ओन नेम, प्रोवाइडेड सारे लेटर्स अलग अलग होने चाहिए है ना, किसी का नाम अगर सचिन है राहुल है तो वी कैन डू ठीक है, लेकिन है ना रिपीटेशन नहीं होना चाहिए नाम में, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कोई भी लेटर। अगर किसी का नाम निकिता है तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा इन वर्ड्स को, इन वर्ड्स का रैंक निकालने, बिकॉज यहाँ पे दो लेटर्स क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं राइट। तो हम जो भी देख रहे हैं अभी वो कैसे देख रहे हैं कि यहाँ रिपीटेशन ना हो, और आप मेरे रैंक का, मेरा नाम का निकाल सकते हो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई, अंकुश ठीक है इसका निकाल सकते हो आप, बट आप गणित अंक का नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते गणित अंक का, अभी वेट करना है मुझे, क्यों वेट करना है सर, यहाँ रिपीट हो रहा है ना, तो अभी मैंने ये सिखाया नहीं है आपको ठीक है बच्चों, लेकिन आप अंकुश ये नाम का निकाल के देख सकते हो ठीक। चलिए तो बात समझ में आई है आपको कैसे करते हैं है ना, तो चलिए मैं आपको ना टास्क यही देता हूँ, आपका जो स्टार क्वेश्चन है आज का है ना वो इंटीजर बेस्ड हो गया, तो स्टार क्वेश्चन यही है कि आपको रैंक ऑफ वर्ड अंकुश निकालना है बच्चों है ना, सो अंकुश इसका रैंक निकालनी है ठीक है, सो फाइंड आउट रैंक ऑफ दिस। ओके यही आपको इंटीजर बेस्ड है आज का स्टार क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए ठीक है, करिएगा लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो है ना, एकदम सिंपल रैंक निकालना समझ में आ गया अच्छा। एंड नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपका, कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लगा होगा, शॉर्टकट बताऊंगा रैंक ऑफ वर्ड जो भी दिया है हमें, रैंक डिक्शनरी में निकालने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट, तो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट से ये सारे क्वेश्चन को एकदम
आसान कर देंगे, है ना। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, इसका आंसर आप लिखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।